जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे स्टोरी सुनना बहुत पसंद था और मेरी दादी मुझे रोज स्टोरी सुनाती थी। बिना स्टोरी सुने मुझे नींद ही नहीं आती थी। बट जो स्टोरीज मेरी दादी मुझे सुनाती थी उनमें कोई लॉजिक नहीं होता था। आई मीन वो स्टोरी सिर्फ बच्चों को सिलाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, वो अलग बात है कि स्टोरी सुनना मुझे आज भी पसंद है। बट ऐसी स्टोरीज जिनको सुनने के बाद मुझे कुछ सीखने को मिले, जिनमें लॉजिक हो, जो मुझे ग्रो करने में हेल्प करे। वेल, अगर आपको भी स्टोरीज पसंद है और आप भी स्टोरी सुनकर कुछ सीखना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो ये समरी आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, गुरु स्मृति में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चिकन सूप फॉर द सोल के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में बात करेंगे। एक शॉपकीपर अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा रहा था जिस पर लिखा था पपीज फॉर सेल। ये एक तरीका होता है छोटे बच्चों को ट्रिक करने का। वो बोर्ड पढ़ के एक बच्चा उनकी शॉप पर आता है और कहता है, आप पपीज को कितने में बेच रहे हो? $30 से लेकर $50 तक, शॉपकीपर ने कहा। छोटे बच्चे ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे निकाल कर कहा, मेरे पास $2.37, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? शॉपकीपर मुस्कुराया और विसल बजाई। विसल सुनकर कैनाल में से एक लेडी बाहर आई जिसके पीछे कुछ पपीज आ रहे थे। उनमें से एक पप्पी लंगड़ाने के कारण बहुत पीछे रह गया, जिसे उस बच्चे ने तुरंत उठा लिया और शॉपकीपर से पूछा, क्या हुआ इस पप्पी को? शॉपकीपर ने समझाते हुए कहा, डॉक्टर ने इसकी जाँच की थी और उन्हें पता चला कि इसके पास हिप सॉकेट नहीं है, जिसके कारण ये पूरी लाइफ ऐसे ही लंगड़ाते हुए चलेगा। ये सुनकर छोटा बच्चा एक्साइटेड हो गया और बोला, इट मीन्स यही वो पप्पी है जो मुझे चाहिए। शॉपकीपर ने कहा, नहीं, तुम इसे नहीं लेना चाहते क्योंकि ये तुम्हारे साथ दौड़ नहीं पाएगा, खेल नहीं पाएगा, मस्ती नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर छोटा बच्चा निराश हो गया और बोला, अंकल मुझे यही पप्पी चाहिए और मैं इसकी पूरी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट आप अभी मुझसे $2.37 ले लो और एवरी मंथ मैं आपको 50 सेंट देता रहूँगा जब तक इसकी पूरी कीमत चुका ना दूं। शॉपकीपर ने कहा, वो तो ठीक है बट ये पप्पी तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम और कोई पसंद कर लो क्योंकि ये तुम्हारे साथ दौड़ नहीं पाएगा। ये सुनकर छोटे बच्चे ने अपनी पैंट को रोल किया और लोहे की रोड लगा मुड़ा हुआ अपंग पैर दिखाते हुए धीरे से बोला, मैं भी नहीं दौड़ सकता और इस लिटिल पप्पी को किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो इसे समझे। आपको पता है लोगों के चले जाने के बाद हमें उनकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। इंसान हमेशा उसके पीछे भागता है जो उसके पास है ही नहीं, बट जो उसके पास होता है उसे उसकी कदर नहीं होती। कोई किसी की कार को देखकर सोचता है, काश मेरे पास कार होती। कोई कपल्स को देखकर सोचता है, काश मेरी भी GF होती या BF होता, बट वो अपने मम्मी पापा की उतनी केयर नहीं करते क्योंकि वो उन्हें छोड़कर नहीं जाने वाले। एंड नॉर्मल सी बात है, मम्मी पापा छोड़कर नहीं जाते। आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि जब तक हमें लोगों की इम्पोर्टेंस पता चलती है तब तक हम उन्हें खो देते हैं, फिर पछतावा करने के अलावा और कुछ नहीं बचता। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप वो गलती ना करें जिसकी वजह से आपको लाइफ टाइम पछताना पड़े। मुझे नहीं पता आपके लिए कौन इम्पोर्टेंट है, बट जो भी इम्पोर्टेंट है उसे इम्पोर्टेंट फील करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कब आपसे दूर चला जाएगा। इनफैक्ट उसे खुद नहीं पता कि वो आपको कब छोड़ जाएगा। ली शपिरो एक रिटायर्ड जज थे। वो उन खास लोगों में से एक थे जिन्हें जेन्युइन प्यार करना आता था। करियर के एक पॉइंट पर आकर ली को रियलाइज होता है कि लव एक ग्रेटेस्ट पावर है। एज अ रिजल्ट ली हक करने वाले बन जाते हैं और सबको हक करना शुरू कर देते हैं। उनके कलीग उन्हें द हगिंग जज का टाइटल देते हैं। उनकी कार में एक बड़ा स्टिकर लगा था जिस पर लिखा था, डोंट बग मी, हग मी। लगभग 6 साल पहले उन्होंने कुछ बनाया था जिसे वो हगर किट कहते थे। इसके बाहर लिखा था अ हर्ट फॉर अ हग और इसके अंदर 30 छोटे छोटे हर्ट्स थे। ली अपने हगर किट को अपने साथ रखते थे और लोगों को हर्ट ऑफर करते थे हग के बदले। ली इतने फेमस हो गए थे कि उनके पास इनविटेशन आते थे कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स के लिए और वहां जाकर वो अपना मैसेज शेयर करते थे, अनकंडीशनल लव। सैन फ्रांसिस्को की एक कॉन्फ्रेंस में वहां के लोकल न्यूज रिपोर्टर्स हगिंग जज को चैलेंज देते हैं। रिपोर्टर्स कहते हैं, यहाँ करना आसान है क्योंकि यहाँ लोगों को चुना गया है आपके पास आने के लिए, बट रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। रिपोर्टर्स ली को स्ट्रीट में जाकर लोगों को हक करने का चैलेंज देते हैं। ली चैलेंज एक्सेप्ट करके सैन फ्रांसिस्को की गलियों में जाकर कुछ लोगों को हक करते हैं और बदले में उन्हें हर्ट देते हैं। वो जितने लोगों को अप्रोच करते हैं सभी उन्हें हक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऐसा करने के बाद वो चैलेंज जीत जाते हैं। रिपोर्टर्स का चैलेंज पूरा करने के बाद टेलीविजन कमेंटेटर उन्हें सैन फ्रांसिस्को के ड्राइवर्स को हक करने का चैलेंज देते हैं, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को के ड्राइवर्स बहुत रूड होते हैं
लिटरली बहुत। हगिंग जज चैलेंज एक्सेप्ट करके पास ही के बस स्टैंड जाते हैं और बस का इंतजार करते हैं। बस रुकते ही अंदर जाकर ड्राइवर से कहते हैं, आपकी जॉब दुनिया की सबसे स्ट्रेसफुल जॉब में से एक है और मैं स्ट्रेस्ड लोगों की लाइफ में खुशियां भरने जा रहा हूँ उन्हें हक करके। क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ? ड्राइवर हगिंग जज को गौर से देखता है और कहता है, व्हाई नॉट। ये सुनते ही हगिंग जज चैलेंज जीत जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। एक दिन हगिंग जज के पास उनकी एक पुरानी दोस्त नैन्सी आती है। नैन्सी एक प्रोफेशनल जोकर है और आज वो अपनी पूरी कॉस्ट्यूम और मेकअप के साथ आई है। घर के बाहर से वो ली को देखती है, वैसे ली हगिंग जज का रियल नेम है, और कहती है, ली अपने अगर किट का एक गुच्छा लो और चलो बाहर चलते हैं विकलांगों को खुशियां बांटने। वहां जाकर उन्होंने लोगों को बलून हेट और हर्ट के बदले हक दिया, गले लगाया। वैसे ली उन लोगों को हक करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे बिकॉज वो लोग बीमार, डिसेबल और वीक थे। ऐसे लोगों को हक करना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट कुछ टाइम बाद ये इजी हो गया। ली एंड नैन्सी ने डॉक्टर एंड नर्सेस की हेल्प ली और घंटों की मेहनत के बाद लास्ट वार्ड तक पहुंचे। 34 साल के ली ने लोगों की ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ली ने उन्हें देखकर अपने हर्ट, जिनके बदले में वो हक करते थे, उन्हें पीछे ले लिया। बट जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और सबको हक करना स्टार्ट किया। ली एंड नैन्सी हक कर रहे थे और डॉक्टर एंड नर्सेस बलून हेट और हर्ट्स दे रहे थे। पूरे रूम में हर्ट और हक्स देने के बाद ली हॉस्पिटल के सबसे आखिरी पेशेंट लियोनार्ड के पास गए। लियोनार्ड ने एक व्हाइट बिब पहनी हुई थी जिस पर वो लार टपका रहा था। ली ने नैन्सी से कहा, चलो नैन्सी अब और कोई रास्ता नहीं है, हम कर सकते हैं। नैन्सी ने कहा, हाँ ली वो भी हमारा साथी ही है और एक इंसान भी, राइट। यह कहकर नैन्सी उस अजीब आदमी को एक अजीब हेट पहना देती है और हगिंग जज उसकी बिप पर एक छोटा सा हट रख देते हैं। हट देने के बाद वो एक गहरी सांस भरकर नीचे झुकते हुए लियोनार्ड को हक करते हैं। थोड़ी देर में लियोनार्ड चिल्लाने लगता है, ई ई। ये देखकर रूम के सभी पेशेंट्स ने एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट कर दिया। ली को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, तो वो नर्स एंड डॉक्टर्स की तरफ देखता है। उन्हें देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि सभी डॉक्टर्स और नर्स रो रहे थे। उस रूम में क्या हो रहा था ये उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन डॉक्टर्स ने उससे जो कहा वो उन भट्स को कभी नहीं भूल पाया। 23 साल में पहली बार हमने लियोनार्ड को हंसते हुए देखा है। क्या इतना मुश्किल है किसी को हंसाना? लियोनार्ड पिछले 23 साल से नहीं हंसा था, लेकिन ली के आने के बाद वो हंसा। आपको पता है किसी को हंसाना इतना ज्यादा कठिन काम नहीं है, बट हम कोशिश ही नहीं करते। हम हमेशा ये सोचते हैं कि पता नहीं वो क्या सोचेगा, बट कोई ऐसा नहीं सोचता। सबको वो इंसान पसंद होते हैं जो खुद हंसे और हमें हंसाए, बट फिर भी हम अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि ना हम किसी और के बारे में सोचते हैं। किसी और का तो बहुत दूर की बात है, हम अपने घर वालों का तक नहीं सोचते कि क्या हम उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं। वैसे एक बात बोलूं, इस बुक की समरी बनाने के लिए मेरे को नितिशा ने DM किया था। अगर आपको भी कोई बुक पसंद है जिसकी समरी YouTube पर अवेलेबल नहीं है, या आप उस समरी को और भी डिटेल में देखना या सुनना चाहते हो, तो कमेंट कर दो या इंस्टा पर DM कर दो। वैसे जाते जाते अगर आपको अच्छी नींद लेनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और बिलियनर बनना है तो राइट वाली वीडियो देखो। बाद में मत कहना बताया नहीं। धन्यवाद।